एक रहस्यमय स्कूल था जो अपने भयानक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। इस स्कूल की कहानी सुनकर हर कोई डर जाता था, लेकिन कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। इस स्कूल में विद्यार्थियों के अद्भुत और रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी जो कभी सुने नहीं गए थे। एक दिन एक नई छात्रा प्रिया ने इस स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। वह बहुत ही निराश हो गई थी क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ अलग शहर से आई थी और इस स्कूल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। रिया के दोस्तों ने उसे स्कूल के भूतिया रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ रात को आत्माओं की चीखने आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार छात्रों को भूतों ने पकड़ लिया है। रिया ने उनकी बातों को मजाक समझा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था। एक रात रिया ने स्कूल के पुराने भवन की तलाश में निकली। उसने सुना था कि वहाँ कुछ भूत है जो दिन के समय लोग से छुप कर रहते हैं। वह अकेली थी और रात का समय था, लेकिन उसका जज्बा उसे मजबूत कर रहा था। जब वह उस पुराने भवन के पास पहुंची, तो वह अपने पर विश्वास को खोने वाली थी। पुराने दरवाजे को धीरे से खोलते हुए रिया अंदर घुस गई। अंदर उसे भूतिया सी चीखें सुनाई दी। उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, लेकिन वह पीछे हटने का विचार नहीं कर सकती थी। उसने वहां के अंधेरे में धीरे धीरे खिड़की की ओर कदम बढ़ाए और एक लहराते पर्दे को हटाया। उसने देखा कि एक कमरे के बीच में एक भयंकर भूत खड़ा है जो उसकी ओर देख रहा है। वह थम गई और डर से कंप रही थी। भूत ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा और उसने सांस लेने की कोशिश की। जब रिया आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वह भूत वास्तव में उसका ही रूप धारण कर रहा था। वह रिया को एक कविता सुनाने लगा, जो सुनने के बाद रिया का डर कुछ कम हुआ। कविता के अंत में उस भूत ने रिया को बताया कि यह स्कूल किसी भी अन्य स्कूल से अलग है, बल्कि इसमें एक अद्भुत ऊर्जा है जो इसे विशेष बनाती है। रिया ने भूत से कहा कि वह अब इसे समझ सकती है और उसने स्कूल की सच्चाई का सामना किया। इस अनोखे और रहस्यमय स्कूल की कहानी ने रिया के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह स्कूल के हर पहलू को समझने लगी और उसके रहस्यों को खोलने का प्रयास किया। इसके साथ ही उसने अपने आप को भी समझा और अपने अद्भुत पारिवारिक इतिहास को खोजा। रिया ने स्कूल के रहस्य को हल किया और उसने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक करें।